पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा को हटाने की असेंबली, वजीर आजम शहबाज शरीफ को इरसाल, पीसीबी गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स के लिए दो नए नाम तजवीज, नजम सिटी और शकील शेख के नाम शामिल। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नजम सिटी को पीसीबी का नया चेयरमैन नामजद कर रखा है। जुल्फिकार बेग से इस हवाले से तफसलात लेंगे। जी जुल्फिकार बताइएगा। जुल्फिकार बेग से भी तफसलात लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा को हटाने की असेंबली, वजीर आजम शहबाज शरीफ को इरसाल कर दी गई है। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड मेंबर्स के लिए दो नए नाम भी तजवीज किए गए हैं, नजम सेठी और शकील शेख के नाम शामिल हैं। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को पीसीबी का नया चेयरमैन नामजद कर रखा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा को हटाने की समरी, वजीर आजम शहबाज शरीफ को इरसाल की गई है। जुल्फिकार बेग से तफसीलात लेंगे। जी जुल्फिकार आगाह कीजिएगा, समरी में मजीद क्या लिखा गया है। जी, इमरान खान खुद भी क्रिकेटर हैं, जब वो वजीर आजम थे तो उन्होंने अपने मनपसंद रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तैनात कर दिया। और इसके बाद से जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, जो कि असल रूह जिसको क्रिकेट की कहा जाता है, जिस बुनियाद पर अब इमर्जिंग प्लेयर जो ऊपर आते हैं, नेशनल टीम का हिस्सा बनते हैं, तो उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। तो जब नई हुकूमत का सेटअप आया तो उस दौरान अहम फैसला ये किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अमूर को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए प्रोफेशनल्स को लाया जाए, ताकि बेहतर अंदाज से क्रिकेट को स्ट्रीम लाइन किया जाए। इस दिन में एक कमेटी वजारत तालीम सफाई राबता अमूर को अरसाल की गई, की तरह से अरसाल की गई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और उनको ये उसमें कहा गया कि उसमें डायरेक्टिव ये जारी किया गया कि क्रिकेट बोर्ड के जो सेटअप को तब्दील किया जाए और रमीज राजा की जो परफॉर्मेंस है उसको भी सामने मद्देनजर रखते हुए तमाम तर तफसीलात से आगाह किया गया। और इसके साथ दो नए नाम गवर्निंग बोर्ड के अंदर शामिल करने के लिए भेजे गए हैं, जिसमें नजम सेठी जो कि फॉर्मर पीसीबी के चेयरमैन है, और शकील शेख, उनका भी एक ह्यूज एक्सपीरियंस है क्रिकेट के हवाले से, वो रीजन की क्रिकेट को भी वो बेहतर अंदाज से समझते हैं। इन दो नामों की मंजूरी के बाद तो प्रॉपरली रमीज राजा की जो वो उनका चेयरमैनशिप से उनको हटा दिया जाएगा और नया बोर्ड तशकील दे दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार बेग, आपने आगाह